मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और सादा न्यूज पर कल भी एक डिबेट हुई थी और उसी दाता में आज भी डिबेट रखी गई है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्मियों को फांसी दी जाती है, लेकिन उस फांसी को एकांत में दी जाती है, उसे कोई देख नहीं पाता। दुष्कर्मियों को चौराहे पर फांसी दी जाए और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए, ताकि देखने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझें कि ये बहुत ही जघन्य अपराध होता है और इसकी सजा इस तरह दी जाती है। और बात सही है, आम जनता भी यही बात कहती नजर आती है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा संभव है? तालिबान में ऐसा होता है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? यदि ऐसा किया जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आशीष तिवारी जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं वहां पर। हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देवाशीष जरारिया मौजूद है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। देवाशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद है इंदौर की अधिवक्ता शैली खत्री जी। शैली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, आपसे कहना चाहूंगा, आपकी मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहन उषा ठाकुर जी ने पिछले दिनों जो घटनाएं देश के अंदर विभिन्न राज्यों में हुई, उन सभी घटनाओं को देखा है और उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रकार से होना चाहिए, परंतु कानून की एक मर्यादा है, उस मर्यादा में ही कानून का पालन संविधान के अनुसार होता है। पर उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, वह चिंता भी जन भावना की है। कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये भाव रहता है कि ऐसे दुष्ट आदमी को जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, समाज के विरुद्ध अपराध किए हैं, उन्हें कड़ा दंड मिलना चाहिए। तो वो कड़े दंड की मांग की है की गई उनके द्वारा। की बात है, क्या भाजपा की जो तंत्र है, क्या वो इस बयान में विश्वास करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास करती है और संविधान के अंतर्गत जो जो चीजें हैं उनके अनुसार ही पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भाव रहता है। यदि किसी ने यह बात कही है तो ये उनका भाव है और उस भाव को संविधान के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी आगे भी चाहेगी कि काम कार्य जो भी पद्धतियां हो, न्यायालयीन पद्धतियां हैं, वो सभी संविधान के अनुसार होना चाहिए और अपराधियों को दंड भी संविधान के अनुसार मिलना चाहिए। यही कारण है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ा रुख अपनाया था कि यदि किसी भी बालिका के साथ में दुष्कर्म कोई व्यक्ति करता है तो उसका यहां तक कि उसके घर को भी गिराने की कार्रवाई की थी और कानून को भी कड़ा किया है कि उसे निश्चित तौर पे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार हर समय चाहती है कि दुष्कर्मी को, अपराधी को कड़ा दंड मिलना चाहिए। बात सही आप कह रहे हैं। देवाशीष जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आशीष जी कह रहे हैं कि कानून सम्मत होना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन यदि कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है, तो सरकार का भी अपना अस्तित्व दिखना चाहिए, सरकार के अपने स्तर दिखना चाहिए, उसकी कार्यप्रणाली दिखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मंत्री जी का ये बयान जो है वो आम जनता का आक्रोश, आम जनता का बयान है? देखिए, मैं मानता हूं कि उषा ठाकुर जी ने जो बयान दिया है वो पूरे के पूरे तरीके से भावनात्मक बयान है और एक भावनाओं बहकर और एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयान दिया गया है। और निश्चित तौर पर किसी भी महिला के लिए रेप जैसा मुद्दा बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन मैं उषा ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप रेप को लेकर, रेप के मामलों को लेकर आपकी जो नाराजगी है वो इस हद तक है कि आप ये मांग कर देती हैं कि रेप के पीड़ितों के लिए, जो रेप के आरोपी होती है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए, उनकी बॉडी को भी जलाया नहीं जाना चाहिए, चील गिद्धों खिला देना चाहिए, जब आप इस तरह के बहुत गंभीर बयान दे रही हैं और वो भावनात्मक बयान दे रही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जब आपकी राजनीतिक पार्टी में, जब सरकार में आपको इन मुद्दों पर बोलना होता है तब आप चुप क्यों हो जाती हैं। मध्य प्रदेश एनसीआरबी के डेटा में दूसरे देश के दूसरे नंबर पे आता है रेप के मामले में। हम निरंतर हर दिन पढ़ते हैं कि किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। उन घटनाओं पर भी तो एक मंत्री के तौर पर, एक महिला के तौर पर उषा ठाकुर जी को बोलना चाहिए। दूसरी बात, आप इस पार्टी के खिलाफ चुप क्यों हो जाती है जब इसी आपकी ही पार्टी, आपको बोल रही है कि सरेआम फांसी पर लटका दो, आपकी ही पार्टी बिल्किस बानो के
मामले में उनके जो रेप के जो दोषी हैं उन लोगों को सजा छोड़ देती है, फ्री कर देती है, तब तो आपने बयान नहीं दिया। तो चाल चरित्र चेहरा एक राजनेता के तौर पे आपका दूसरा और एक महिला के तौर पे दूसरा है। अगर रीढ़ की हड्डी आपके अंदर होती तो जब बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया था, उसके साथ जो जिन्होंने उनके परिवार को मारा और गैंगरेप जैसी दुर्दांत अपराध किया, उन आरोपियों को जब छोड़ जाता तो भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला विधायिका, एक भी महिला सांसद, कोई महिला मंत्री एक शब्द नहीं बोल पाती है। तो इसको क्या समझा जाए? इसको यही समझा जाना चाहिए कि यह केवल सस्ती लोकप्रियता और भावना में दिया बयान है। इसका कोई ना सर है, ना कोई पैर है, ना इसके पीछे कोई लॉजिक है, और ना उनके पीछे कोई इच्छा शक्ति की मौजूदगी है। जी जी, चलिए शैली जी मौजूद है। शैली जी, क्या कानूनन ऐसा संभव है? क्योंकि कई देशों में ऐसा कानून है, तालिबान जैसे देशों में ऐसा कानून है कि यदि कोई अपराध करता है तो उसे सरेआम चौराहे पर जो है उसे गोली मार दी जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि वहां पर अपराध करने वाले डरते हैं, कांपते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है वो इस तरह के जघन्य अपराध, बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के जो मामले सामने आते हैं, वो उनमें कमी नहीं आती है, बल्कि प्रायः बढ़ोतरी दिखाई देती है। आपको लगता है कि उषा जी के इस बयान, ये जो बयान है मुख्य रूप से आम आदमी के आक्रोश का बयान है? जब जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम अंदर से हिल जाते हैं और ये आक्रोश जो है वो सामने आता है। क्या वाकई आपको लगता है कि कहीं किसी कानून में ऐसा कानून होना चाहिए तुरंत सजा का प्रावधान? सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जन भावना का ये उन्होंने बयान जो दिया है बिल्कुल जन भावना से प्रेरित होकर दिया है, पर ये ऐसा कानून हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक बयान रहा, अव्यवहारिक चीजें हैं कि उनको सरेआम फांसी पे चढ़ा दे, उनका अंतिम संस्कार भी ना हो और चील गिद्ध उनको नोचे। क्योंकि हम मानवीयता की बात करें तो अगर सभी इस तरीके से करेंगे तो किस तरीके से हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं उनके सामने? तो एग्जाम्पल इस तरीके से सेट तालिबानी तरीके से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कानून अलाउ ही नहीं करता सर इस चीज को। हमारे यहाँ इस तरीके की दूसरी प्रक्रियाएं हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई है सर, पॉक्सो एक्ट बनाया है, आईपीसी में बहुत सारे नियम दिए हैं, कानून दिए हैं कि आज लड़कियों के पास बहुत सारे नियम, पर स्टिल अगर ये ऑफेंसेस हो रहे हैं तो सर ये तो खुद पावर में है। अगर वो ऐसे बयान दे सकती है तो मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि वो ऐसे प्रस्ताव, ऐसे बिल लेकर आए, ऐसे विधेयक बनाए पार्लियामेंट में जाके जिसके तहत उनको ऐसे वो जो बयान दे रही है उसको पूरा रूपरेखा दे और उसके बाद लेकर आए संविधान में और उसको उसका पालन हो जाएगा। संभव है शैली जी, उन्होंने एक बात अच्छी कही है कि आम आदमी जो है एक परिपत्र पे साइन करें, हस्ताक्षर करें और इसको वो आगे भेजेंगी। क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसे कानून यदि इसकी कानूनों की अगर रिक्वेस्ट की जाए, निवेदन किया जाए, तो क्या ये संभव है कि ऐसे कानून पास किए जा सकते हैं और होना चाहिए? सर, कोशिश की जा सकती है, पर इसका ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज, क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान जैसा है, वहां पर अक्यूज जब तक अपराधी साबित नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता और उनको पूरी तरीके से, हमारे प्रोसेस ही बहुत, प्रक्रिया ही बहुत लंबी है जिसमें वाकई बदलाव आने की जरूरत भी है और आएंगे भी, बट फिर भी कोशिश की जा सकती है। अंटिल अनलेस आपने बयान दे दिया, आपने अपने लोगों के जन की भावनाओं के साथ में ये बोल दिया मैं आपके साथ हूं, पर आप हैं सिस्टम में, आप यू कैन ट्राई टू चेंज इट, देन दे शुड ट्राई इट एटलीस्ट। जन भावना, जन से प्रेरित अल्टीमेटली वो प्रतिनिधि है, दे कैन ट्राई फॉर द सेम। जी, यही देवाशीष जी भी कह रहे हैं। देवाशीष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जहां तक ये बयान चल रहा है कि तालिबान में ऐसा किया था, तालिबान का और भारत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तालिबान में महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा अपराध है और देश में कहीं भी, दुनिया में कहीं भी ये स्थापित नहीं है कि सजा कड़ी हो और उसको सार्वजनिक रूप से दे दिया जाए तो वो अपराध खत्म हो जाती है। यह इतिहास में ना कहीं हुआ है और ना कोई दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल सेट है। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि भारत रूल ऑफ लॉ पे चलता है। रूल ऑफ लॉ एक गवर्न सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत प्रक्रियाएं हैं। अगर प्रक्रियाओं का अनादर किया जाएगा और प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा तो हर तरफ केओस फैल जाएगा, है ना, हर तरफ अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो हम लोग एक संवैधानिक प्रणाली में जीते हैं, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जीते हैं, यहाँ पर अराजकता का, केओस का कोई भी नाम मात्र की गुंजाइश भी नहीं है कि केओस हो। और मैं बहुत अच्छी बात कही है हमारे वकील साहिबा ने कि आप सत्ता में हैं तो आपके जो बयान हैं वो जिस तरीके, आपका जो पोजीशन है उससे मिलते जुलते बयान होने चाहिए। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं
जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब उनकी चार्जशीट में डिले होता है और जो उस पर राजनीति होती है, तब आप क्यों चुप हो जाती हैं? आप क्यों नहीं बोलती कि भाई बिल्कुल बानो के हत्यारों का बयान उनसे उनसे पूछ लीजिए? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने बयान दिया, आपका कोई रिपोर्टर जाए उनसे पूछे कि आपने जो बयान दिया है आप क्या विरोध करती है कि बिल्कुल बानो के रेप गैंग रेप करने वालों को छोड़ा गया, क्या आपको समर्थन में है? बयान देकर दिखवा दीजिए कि अगर हम बात करें तो आखिर कैसे ये अपराध रुकेंगे। देखिए मंत्री जब ये कह रही हैं तो अगर कोई आम आदमी कहता तब भी हम ये बात कर रहे होते, लेकिन कैसे आखिर एक भी घटना यदि इस दिन की हो रही है, खुदा न खास्ता वो हमारे आसपास कहीं घटना घटती है तो हमको समझ में आता है कि उसकी घटना की भयावहता क्या होती है, कैसे आखिर ये इस तरह के जो घटनाक्रम है, जो दुष्कर्म वाले मामले कैसे रोक सकते हैं, क्या हो सकता है? मैं देवाशीष जी से ही पूछना चाह रहा हूँ। देवाशीष जी ने बयान दिया, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि कोई घटना कोई अपराध है वो क्या रुक जाएगा क्या किसी भी कानून के आने से, इसकी कोई जिम्मेदारी ले सकता। लेकिन इतनी जिम्मेदारी ली जा सकती है कि कोई भी घटना अगर आती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो, उस मामले के एविडेंसेस अच्छे साक्ष अच्छे से जुटाए जाए, उस मामले की जब वो प्रोसेसिंग में जाता है, जब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में किसी भी कोर्ट में ट्रायल के लिए जाता है तो उसकी जो चार्जशीट होती है, जो डायरी होती है, जो एविडेंसेस होते हैं, वो सारी समय पर किए जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं में जो सिस्टम होता है वो अनदेखी करता है। जी घटनाक्रम, हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, घटनाक्रम से पहले घटना को रोकना, तो मुझे लगता है उसके लिए तो हमें फिर कैंप्स होने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, हमें स्कूल से ही जो बच्चों का जो हम लोग जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ये सब तरीके के हमें आजमाने चाहिए। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी होता है, महिलाओं को समाज में कितनी इज्जत देती है, उनको कैसे ट्रीट करती है, बहुत सारे तरीके की वर्कशॉप चलती है जिसमें लड़कियों को सिखाया जाता है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कोई आपसे किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग बच्चों के पास में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी आ जाती है और वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाती है, ऐसे में अपने आप ख्याल कैसे रख सकती है, सेक्सुअल जो अब्यूज होता है उसको किस तरीके से बच सकती है, इंटरनेट में जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उससे वो कैसे बच सकती है, ये सब चीजें हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौती आ रही है। जैसे जैसे सूचना क्रांति बढ़ती जा रही है इन मामलों की रफ्तार भी बढ़ती जाती है और ये मामले अलग अलग शक्ल लेकर हमारे सामने आ रहे हैं, तो इन सब मामलों में जागरूकता होनी चाहिए, इनको व्यवहारिकता से जोड़ा जाना चाहिए, इनके बारे में खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए स्कूल्स में कॉलेजेस में। अब ये बता दीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर सेक्स एजुकेशन की बात की जाएगी तो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं हमारा तो संस्कृति ये बयान ये नहीं सिखाती। देखिए आप मध्य प्रदेश में सेक्स एजुकेशन, मैं इसी बात पर आशीष जी बताना, आशीष जी बोल रहे हैं कि ये बात सही है कि सेक्स एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो क्या वक्त का क्या बयान होगा, क्योंकि निश्चित रूप से इन के मामलों को रोकना है तो कहीं ना कहीं ऐसे इनिशिएशन हमको करने होंगे। आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन पर बात की जानी चाहिए मध्य प्रदेश में? आशीष जी देखिए अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि किसी भी घटना कब घटना होने वाली है इसके बारे में तो नहीं पता लगाया जा सकता, पर घटना होने के पश्चात उन अपराधियों को व्यवस्थित तरीके से पकड़ लिया जाए, उनको दोषी हैं तो उन्हें दंडित कर किया जाए ताकि आगे अपराध ना बढ़े, इस पर हम जरूर काम कर सकते हैं और कानून को थोड़ा सा कड़ा किया जा सकता है ताकि लोग अपराधी अपराध करने से डरने लगे, क्योंकि अपराधी जो होता है वो मानसिक विकृत व्यक्ति होता है और उसके सामने ये नहीं होता कि वो 2 वर्ष की बालिका के साथ कुछ दुष्कर्म कर रहा है या 20 वर्ष की, उसके सामने सिर्फ एक बालिका होती है और वो मानसिक विकृत होता है इसलिए वो इस प्रकार के अपराध करता है। वहीं दूसरी तरफ मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उषा ठाकुर जी को इन पे भी बोलना चाहिए, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अलवर में मासूम मुफद्दिर बिटिया से सामूहिक दुष्कर्म का मामला हुआ था, तब क्या प्रियंका जी बोली थी? क्या उस समय प्रियंका जी बोली जब आपके ही पार्टी के जो कर्नाटक के विधायक थे उनके जो विधायक का जो बेटा था उसमें रेप के मामले में बोलता है कि लड़की को एंजॉय करना चाहिए, तब उस पर प्रियंका जी बोली क्या? मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर 2-2 मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं महिलाओं के बारे में कि जिनको सुनने के बाद लगता है कि इनको हो क्या गया है, ये जिम्मेदार पद पर बैठने वाले लोग। एक सेकंड आशीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा, आपने जो आरोप लगाया है उसको पहले क्लियरिफाई कर लेते हैं।
ठीक है, मैं आपको 15 जनवरी 2022 की खबर कोट कर रहा हूं। अलवर रेप का आपने ला रहा है, ये देखिए अलवर रेप के जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे प्रियंका जी ने बात की है, ठीक है। तो इस तरह के आरोप नहीं लगा दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पूछना चाहूँ, आपने मुझ पर आरोप लगाया, आप जितने भी केसेस का उदाहरण दोगे मैं ढूंढ के निकाल के आपको बता दूंगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके जिन्होंने इस प्रकार का रेप को लेकर ऐसा बयान दिया, उसपे कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के विधायक पे, बयान दिया राहुल गांधी जी ने उसपे। आप सर्च कीजिए, आप अपनी तैयारी करके आइए, कोई भी आरोप लगाने से पहले आप देख लीजिए। सतना संगी रिवांचल एक्सप्रेस में सिद्धार्थ कुशवाहा जी थे, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर दी कांग्रेस के विधायक। आप लोगों ने एफआईआर की है उस मामले में, जांच कीजिए, करवा लीजिए, आपके हाथ में बनना है। सिद्धार्थ कुशवाहा जी का बयान आ चुका है, सिद्धार्थ कुशवाहा जी का बयान आ चुका है उस मामले में। दो विधायक रेवांचल एक्सप्रेस में एक महिला के साथ छेड़खानी करते हैं और कांग्रेस के ना तो किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी का बयान आ रहा है, पूरी जांच समिति एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की महिला को टंच मार कहता है। आप मुझे बताइए बिल्कुल बानो के मामले में आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। मैं तो आशीष तिवारी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज रेप वाले डिबेट में बैठे हो, उषा ठाकुर जी के बयान के समर्थन में बैठे हो, आप सही मानते हो क्या कि बिल्कुल बानो के जो रेप करता थे उनको छोड़ दिया गया, यह सही हुआ या गलत हुआ? इस पे आप ही टिप्पणी कर दीजिए और आप ही बयान जारी कर दीजिए। मैं मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है सर बिल्कुल बानो का केस। जी बोलिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, एक प्रेग्नेंट महिला व 3 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है सर, और उसके बाद उनके विधायक को टिकट भी मिलता है। एनीवेज मैं ये बोलना चाहूंगी सर कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग पार्टी के मुद्दे नहीं होने चाहिए कभी भी, फिर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर बात क्राइम की है तो क्राइम की सोसाइटी है, जो पीड़िता है उनके जो रेप जो अक्यूज्ड है, जो नहीं अक्यूज्ड नहीं बोलूंगा, जो और दोषी को अपराधी जो अपराधी होता है उसे उसी उनके अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बहन उषा ठाकुर जी द्वारा दिए गए उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि कड़ा होना चाहिए कानून को, और अधिक कड़ा होना चाहिए, ये उन्होंने चिंता व्यक्त की है और निश्चित तौर पर कानून को बहुत कड़ा होना चाहिए। किस तरह के कानून होने चाहिए श्री जी? सर कानून प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी नो एवरीवन नोज दिस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसा कि बोला जाता है कि भाई मानसिक विकृति होती है, एग्रीड, देवाशीष जी ने बोला कि भाई पॉसिबल नहीं है कि कब हो जाएगा क्या हो जाएगा, बट अलर्टनेस अवेयरनेस साथ ही साथ इन जो प्रक्रियाएं सर थोड़ी सी और फास्ट हो जाए। अब इनकी कोर्ट्स प्रमुखता सर अलग ही होनी चाहिए, क्या होता है हमारे कोर्ट्स में भी जो कोर्ट्स इनसे डील करती है फिर दूसरी चीजों से डील नहीं कर पाती है, इनकी स्पेसिफिक कोर्ट्स ही बनाए जाए जो बेसिकली एक सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करें, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि क्या होता है वो नॉर्मल कोर्ट्स वही जज है वो दूसरे केसेस में डील करते हैं तो ये वाले केसेस डील नहीं कर पाते, अल्टीमेटली वो केसेस जो लिंगर ऑन चले जाते हैं। साथ ही इसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो नोट हमारी जो तामिली वाली प्रक्रिया है सर, इसमें तो विटनेस को बुलाना ये करना इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है सर, तो ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए। फिर प्रावधान सर अभी तो आप सिस्टम में सर जो भी बदलाव लेकर आना चाहें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस लेकर आती हैं, डेफिनेटली इन सारी चीजों में बदलाव आएगा तो जितने स्पीडी ट्रायल होगा सर उतना फास्ट होगा सर।
जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक अलग से कोर्ट होनी चाहिए जिस पर इस तरह के मामलात पर बहस हो और फास्ट ट्रैक पर काम हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कैसे ये मामलात रुकेंगे, क्योंकि यदि कोई मामला हो जाता है उसके बाद में मामला कोर्ट जाता है, हम उसके बाद की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या ये संभव है कि इस तरह के मामलों में जो है वो ऐसे कानून बने जिसे देख कर जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं, वो डरे और इस तरह की घटना करने से के बारे में ना सोचे। बहरहाल आप हमसे जुड़े और बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।